Hello everyone, this is Galaxy and in this video I'm going to provide you a review on a book of stammering, and this book is by the name Self Therapy for the Stutterers by Malcolm Foster. Malcolm Foster jo hai wo founder hai of Stammering Foundation of America ka. Is bande ne apna practical experience along with his colleagues उनका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग स्टैमरिंग इस बुक में शेयर किया है. सो मैंने कुछ दिन पहले ही ये बुक पढ़ी है. सो आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दिस बुक. सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ समरी अबाउट व्हाट इज एक्चुअली देयर इन दिस बुक. पहली चीज, दिस बुक इज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन सेल्फ थेरेपी एंड ऑल्सो जो स्पीच पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनका भी मेन जो फोकस होता है वो सेल्फ थेरेपी पे ही होता है. सो इस बुक में सेल्फ थेरेपी पे काफ़ी फोकस किया गया है, ठीक है. एंड उसके बाद नाउ कमिंग टू द बुक, फर्स्ट दे हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टैमरिंग, दैट व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ रिलैक्सेशन ऑन स्टैमरिंग, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ टेंशन ऑन स्टैमरिंग. सो दे हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट ऑल दिस थिंग इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कि क्या इसके एक्चुअल इम्पैक्ट होते हैं तुम्हारे माइंड पे, तुम्हारी साइकोलॉजी पे, तुम्हारे स्टैमरिंग पे. तो ये भी इस बुक में काफ़ी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है. आफ्टर दैट दे हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट सेकेंडरी सिम्टम्स, जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि सेकेंडरी सिम्टम्स नाम की कोई चीज़ होती है. कि लाइक व्हाइल डूइंग स्टैमरिंग सम स्टटरर्स डू सेकेंडरी सिम्टम्स लाइक नेक का मूवमेंट, लाइक जॉ का ऐसे ऐसे थोड़ा सा टेंस्ड हो जाना. सो ऑल दिस थिंग्स कम्स इन secondary symptoms, because secondary symptoms does not have any kind of contribution in our fluency in the speech. ठीक है, जो speech की fluency होती है उसमें कोई contribution नहीं होता secondary symptoms का. So इसमें वो explain कर रखा है कि secondary symptoms actually में क्या होते हैं और कैसे आपको उसको self analyze करना है और उसको कैसे remove करना है, ठीक है. And also इसमें plosive words के बारे में भी explain कर रखा है, like P, T, K, B. और मुझे प्लॉसिव वर्ड्स के बारे में पहले कभी नहीं पता था कि प्लॉसिव वर्ड्स नाम की भी कोई चीज़ होती है. सो प्लॉसिव वर्ड बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिनको तो प्रोलॉन्ग नहीं कर पाते, खींच नहीं पाते. लाइक यू कैन प्रोलॉन्ग लाइक एरिस्टोटल सिग्निफिकेंस, बट यू कैन नॉट प्रोलॉन्ग पिंक, बिकॉज पी इज अ प्लॉसिव वर्ड. पी को तुम प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते. सो प्लॉसिव वर्ड्स का भी जो कॉन्सेप्ट इसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि प्लॉसिव वर्ड्स से कैसे डील करना है आपको, ठीक है, वो एक्सप्लेन कर रखा है. एंड ऑल्सो दे हैव प्रोवाइडेड गुड इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लॉक करेक्शन टेक्निक, ये कैसे वर्क होते हैं, से क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे आपको उसको यूज करनी है टू मिनिमाइज योर स्टैमरिंग, और कैसे अपने आपको एनालाइज करना है कि कहाँ पे तुम गलती कर रहे हो, कैसे तुम्हारा स्पीकिंग जो मैकेनिज्म है, पर्टिकुलरली जो थ्रोट वाला सेक्शन है वो कैसे टेंस्ड हो रहा है while doing stammering, ठीक है. और ये भी explain कर रखा है. And in the last, they have provided some information that कि कैसे आप, मतलब इस book में तुम्हें यही सीखने को मिलेगा कि कैसे तुम self analysis कर सकते हो कि कहाँ पर तुम mistake कर रहे हो, ठीक है. For instance, if I'm say like if I'm doing stuttering on any particular word, like I do like on any Bhagavad Gita, ठीक है. सो जो मैंने मिस्टेक करी, सो उसको मैं कैसे एनालाइज करूँ, भगवत गीता कैसे बोलूँ, ठीक है. सो ये जो है, ये जो मतलब लर्निंग प्रोसेस है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, इस बुक में बहुत बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन कर रखा है. सो ये एंड ऑल्सो लाइक दिस बुक इज फ्री फॉर एवरीवन. लाइक यू कैन डाउनलोड दिस बुक फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ स्टैमरिंग फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, वहाँ पे फ्रीली ये बुक अवेलेबल है. और ऐसी कुछ 17-18 बुक भी वहाँ पे और अवेलेबल है जिसको तुम स्टडी कर सकते हो फॉर बेसिकली इम्प्रूविंग योर नॉलेज रिगार्डिंग स्टैमरिंग. बिकॉज जब तक लाइक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक इस चीज़ के बारे में डेप्थ में स्टडी नहीं करोगे, सो यू विल फील लाइक यू, जब लाइक तुम पढ़ोगे ना इस बुक को, तुम्हें फील होगा कि हाँ भाई, कि मतलब लाइक अब मुझे कुछ नई चीज़ों के बारे में पता है जो मैंने पहले नहीं पता था, ठीक है. सो ये इसका एक एडवांटेज होगा. और ये बहुत अच्छी बुक है. सो आई विल सजेस्ट यू टू रीड दिस बुक. सो दिस वॉज बेसिकली द वीडियो.
और इस बुक के बारे में काफी कम लोग को पता है, एंड ऑल्सो स्टैमरिंग के रिगार्डिंग काफी कम लोग होते हैं जो बुक्स पढ़ते हैं, एंड आई थिंक बुक पढ़ना काफी 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 बेनिफिशियल है, बिकॉज बुक पढ़ने के बाद तुम्हारा जो माइंड सेट है वो काफी चेंज हो जाएगा, ठीक है, लाइक यू विल एक्सेप्ट यूर प्रॉब्लम आफ्टर रीडिंग दिस बुक, लाइक थोड़ा बहुत माइंड सेट तो चेंज होगा ही, गारंटीड है कि माइंड सेट चेंज होगा, एंड विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तुम्हें अपना माइंड सेट चेंज करना है, देन आफ्टर दैट यू हैव टू वर्क ऑन वेरियस काइंड ऑफ टेक्निक्स एंड एयर फ्लो टेक्निक, ब्लॉक करेक्शन टेक्निक, ब्ला 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 ब्ला. फर्स्ट प्राइमरी थिंग मैं इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ इज योर माइंड सेट, एंड इट टेक्स टाइम, लाइक 2-3 महीने तो माइंड सेट चेंज करने में लग ही जाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट द मैटर ऑफ अराउंड 2-3 डेज के लाइक तुम उठे और हाँ आज से माइंड चेंज हो गया बाई रीडिंग दिस बुक, नहीं, ऐसी कई बुक पढ़नी पड़ेगी. सो ये बुक मैंने पढ़ी है एंड आई थिंक ये बुक काफ़ी बेनिफिशियल है फॉर दोज जो स्टैमरिंग करते हैं. सो यू कैन फ्री लाइक यू कैन रीड दिस बुक, एंड इसका ये बुक फ्रीली अवेलेबल है ऑन स्टैमरिंग फाउंडेशन ऑफ अमेरिका की वेबसाइट पे. सो फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड दिस बुक. सो दिस वॉज बेसिकली द वीडियो.